हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो होने वाली है काफ़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो में दो सनस्क्रीन जो हैं, जो कि टिंटेड सनस्क्रीन है, इसमें बेस्ट कौन है, इस बात की बैटल होने वाली है। एक्चुअली ये एक कंपेरिजन वीडियो है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी जो है सनस्क्रीन बेस्ट है आपकी स्किन के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। उससे पहले जो है, मेक श्योर चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को प्रेस कर लीजिएगा, और जो है साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो गाइज, जिन सनस्क्रीन्स की बात मैं कर रही हूँ उसमें पहली सनस्क्रीन है डर्मा को की 1% हाइलोरॉनिक एसिड टिंटेड सनस्क्रीन है ये भी, और साथ में दूसरी जो है सनस्कूप की जो है टिंटेड सनस्क्रीन SPF 60। तो गाइस, ये है वो दो सनस्क्रीन जो है जिनका कंपैरिजन वीडियो है। ये पहली जो सनस्क्रीन है वो डर्माको की 1% हाइलुरोनिक एसिड टिंटेड सनस्क्रीन जेल, जी हाँ डर्माको का ये है, और दूसरा है सनस्कूप का ग्लो सनस्क्रीन जो है SPF 60। तो डर्माको जो है एक ऐसी ब्रांड है जिसका वेल नोन ब्रांड है, जिसको आप अच्छी तरह से पहले से जानते होंगे, बट इसके कंपैरिजन में जो है सनस्कूप ग्लो जो है ये एक नया ब्रांड है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग है। जब मैंने इसको ऑर्डर किया, सनस्कूप की जो है ग्लो सनस्क्रीन को जब ऑर्डर किया मैंने, तो मुझे पता चला कि सनस्कूप जो है स्पेशली जो है डेडिकेटेड है ये ब्रांड जो है सनस्क्रीन और SPFs के लिए, और ये जो है बहुत सारे जो है बॉडी और फेस के लिए सनस्क्रीन और SPFs जो है प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और जो कि काफ़ी बेस्ट क्वालिटी के जो है आपको लगाने के बाद में फील होंगे। तो गाइज जो है, चलिए वन बाय वन पहले हम इसके पैकेजिंग की बात करें। तो सनस्कूप का जो SPF 60 जो है सनस्क्रीन जो है ये भी टिंटेड है, ये कुछ इस तरह के येलो और वाइट पैकेट में आएगा, और जो है हाइलुरोनिक एसिड डर्माको का जो है ये सनस्क्रीन जेल आपको इस तरह की पैकेजिंग में मिल जाएगा। चलिए आगे वीडियो में इसके टेक्स्चर की बात करते हैं, और प्राइस ऑलमोस्ट दोनों का सेम है जो है। प्राइस वगैरह डिटेल वगैरह सब कुछ मैं नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। गाइज सबसे पहले इसकी पैकेजिंग देखिएगा, अंदर से भी बॉटल काफ़ी प्यारी दिखेगी और कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके टेक्सचर्स की। टेक्सचर कैसा है इसका, अगर हम इस टिंटेड सनस्क्रीन को जो है इसके टेक्सचर की बात करें तो इसका टेक्सचर बहुत ही जो है आपको लाइट वेट है, लाइट फ्लोई टेक्सचर है जो है, इजीली जो है स्किन पे जो है ये ग्लाइड होता है और एब्सॉर्ब होता है। ये देखिए, ये मैं लगा रही हूँ, ये बहुत ही आसानी से स्किन पे ग्लाइड हो जाता है, और जो है आपकी स्किन में पूरी तरह से देखिए एब्जॉर्ब हो गया, और इस पे आपको जो है कोई वाइट कास्ट नहीं मिलता है, वाइट कास्ट ये छोड़ता नहीं है। ये देखिए बिल्कुल टिंटेड सा जो है आपको ग्लोई लुक मिल रहा है, और इसका वही जब मैं इसको जो है 1% हाइलुरोनिक एसिड जेल की बात करूँ, ये भी सेम चीज़ है, ये भी टिंटेड है, बट इसको लगाती हूँ जब मैं, ये जो है ये कंडेंस्ड जो है आपका थिक सनस्क्रीन है, तो जब इसको मैं दो फिंगर्स से अपने जो है ग्लाइड करती हूँ तो ये थोड़ा सा ग्रीसी होता है, और जो है ये अप्लाई करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है कि ये आपकी स्किन पे इजिली जो है ये थोड़ा फ्लेकी हो जाएगा और इजिली ये है ग्लाइड नहीं करेगा। और सबसे इसकी ये देखिएगा, ये स्किन पे आपके टिंटेड ग्लो, आपकी जैसी स्किन है वैसा ही आपको ये ग्लो मिल रहा है, बट इसमें देखिएगा ये वाइट कास्ट, कुछ वाइट वाइट सा मैंने जैसे लगा रखा है वैसा दिखाई दे रहा है। तो टेक्स्चर इसका कुछ इस तरह का है जो है। आप इसके बात करें इसके आगे हम इसकी टिंट की, तो टिंट जो है जैसी स्किन टोन होगी वैसा इसका टिंट जो है उसमें आपके मिल जाएगा। कोई अलग से आपने कुछ लगा रखा है वो आपको जब ये सनस्कूप का जो है आप सनस्क्रीन लोशन लगाते हैं तो ऐसा कोई आपको अलग से लगाया हुआ कुछ नहीं पता चलेगा। वहीं जब मैंने डर्माको का जो लगाया है 1% हाइलुरोनिक एसिड टिंटेड सनस्क्रीन लगाया है, तो ये दिखेगा स्किन मेरी थोड़ी वाइट वाइट सी लग रही है, वाइट सी लग रही है, कुछ थिक सा जो लेयर मैंने लगा रखा है कुछ इस तरह से भी दिख रहा है, और इसका थोड़ा सा पिंक किश और रेडिश जो है लुक आ रहा है, जो कि स्किन को थोड़ा सा, अगर आपकी स्किन बहुत फेयर रही है तो आपकी स्किन थोड़ी डल लगेगी इसको लगाने के बाद में, और इसमें थोड़ा वाइट कास्ट भी आपको दिखाई दे रहा है। ये जो है
हेवी सनस्क्रीन है, थिक सनस्क्रीन है, तो ये ड्राई स्किन वालों के लिए बेस्ट है। और लेकिन जिसकी स्किन पे ऑयली है और स्वेट्स आते हैं उसके लिए ये जो है ये भी सनस्क्रीन लगाने पे ये निकल जाएगी। वहीं जबकि ये जो सनस्क्रीन है आपकी सनस्कोप की जो है ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, स्पेशली ऑयली स्किन वाले जो है, क्योंकि ये स्वेट रेजिस्टेंट है, वाटर रेजिस्टेंट है, और इसमें आप जब भी इसे लगाएंगे तो ये आपके स्किन पे जो है स्टे करेगी और जो है स्वेट के साथ जो है बाहर नहीं निकलेगी। तो अब चलिए अब हम इसके जो है इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं कि क्या इंग्रेडिएंट्स में पाए जाते हैं। तो जैसे कि डर्माको में आपको जिंक ऑक्साइड मिलेगा जो कि यूवी फिल्टर का काम करेगा। इसके साथ में टाइटेनियम डाइऑक्साइड भी है जो कि ये भी यूवी फिल्टर यूवी ए और यूवी बी रेस से आपको जो है बचाएगा, फिल्टर की तरह ये काम करेगा। और इसमें जो हाइलोरोनिक जो है एसिड मिला हुआ है ये हाइड्रेट करता है स्किन को। तो इसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं। वहीं जबकि आपके सनस्कोप ग्लो सनस्क्रीन जो है SPF 60 में इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले इसमें मोनो ऑयल है। मोनो ऑयल क्या होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है इसकी। इसके बाद इसमें आपको दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है विटामिन ई, ये भी एंटी जो है ऑक्सीडेंट होता है जो है आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और लिकोराइस एक्सट्रैक्ट इसमें आपको मिलेंगे तीसरे इंग्रेडिएंट के रूप में जो कि नेचुरल ग्लो देता है स्किन को। और ये नॉन ऑयली सनस्क्रीन है जो है ऑयली स्किन वालों के लिए भी बेस्ट है। साथ में ये ऑल स्किन टाइप के लिए सुटेबल है, साथ में ये नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट है। तो इसमें अगर ओवरऑल हम बात करते हैं इन दोनों सनस्क्रीन में, तो मेरी स्किन जैसे कि मेरी स्किन ऑयली है तो मुझे ये सनस्क्रीन बेस्ट होगा लगाने के लिए, सनस्कोप का SPF 60 इसमें 60 है। तो चाहे वो तेज कड़ी धूप में आप जा रहे हैं, चाहे ऑफिस में बैठे हैं, चाहे आप कॉलेज जाते हो, चाहे आप बाहर में निकल के शॉपिंग करते हो, ये आपकी स्किन को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करेगा, सन रेज से बचाएगा, यूवी रेज से बचाएगा। साथ में जो आपके मोबाइल और जो है आपके लैपटॉप से जो रेज निकलती है उससे भी आपको बचाएगा। इसके साथ में जो है आपको ये सनस्क्रीन जो है ऑल स्किन टाइप के लिए है, स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट है, क्योंकि गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों, ऑयली स्किन वालों के स्किन से ऑयल निकलता ही है। तो चाहे वहीं आपकी 1% हाइलुरोनिक एसिड जो डर्माको की सनस्क्रीन टिंटेड सनस्क्रीन है, ये आपकी जो है ये आपकी हट जाएगी अगर ऑयली स्किन आपके पास है। तो ऑयली स्किन वालों के लिए ठीक नहीं है, ये ड्राई स्किन वालों के लिए बेस्ट है। इसके साथ में जो है टिंट इसका जो है सारी स्किन के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि ये रेडिश और पिंकिश सा इसका टिंट है, और वहीं जो है इसका टिंट जो है आपकी स्किन टोन से मैच कर जाएगा। मैं अपनी स्किन पे भी आपको लगा के दिखा दे रही हूँ, क्योंकि नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न होगी कि ये देखिए एक साइड में वैसे मेरी स्किन बेयर है, मैंने कोई भी और किश नहीं लगा रखा है सिवा मैंने जो है मॉइस्चराइज़र लगा रखा है। ये देखिए मैं जब अपनी स्किन पर इसको लगाती हूँ तो ये मेरी स्किन के टोन से बिल्कुल जो है एडजस्ट हो जाता है मेरी स्किन में। देखिए आपको कहीं से भी बिल्कुल वाइट वाइट सा नहीं नज़र आएगा कि मैंने कुछ अलग से जो है वेयर कर रखा है। इसके बाद में जो है अगर मैं एक साइड ये लगाती हूँ डर्माको की, तो इसकी तो सबसे पहली बात तो ये बिल्कुल थिक सा है, ये ड्राई ड्राई सा है, तो ये स्किन पर जो है पूरी तरह से एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। ये देखिए जब भी मैं इसको अपने स्किन पे इस तरह स्प्रेड कर रही हूँ आपको वाइट वाइट सा दिख रहा होगा, ये देखिए वाइट वाइट सा आ रहा है, और यही इस साइड जो है मेरी स्किन जो है जैसे पहली थी वैसी नज़र आ रही है, जैसे मैंने कुछ भी और ऊपर से नहीं लगाया है। और यहाँ देखिए यहाँ पे कुछ वाइट वाइट सा हो गया पूरा स्किन पे। तो अगर मैं बताऊँ तो मेरी स्किन के लिए बेस्ट है ये सनस्कोप की SPF 60 जो है सन ग्लो क्रीम, और हाइलुरोनिक एसिड को मैं यूज़ नहीं करूँगी। और लेकिन आप जो है इन दोनों में से आप जो है यूज़ करके मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके स्किन के लिए क्यों कौन सी जो है सनस्क्रीन सुटेबल है, सनस्कोप की जो है ग्लो सनस्क्रीन या फिर डर्माको की 1% हाइलुरोनिक एसिड। ये मैं आपको अगर मुझे रिकमेंड करने के लिए आप बोलेंगे तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी सनस्कोप क्रीम को आप एक बार यूज़ करके देखिए, क्योंकि स्पेशली ये जो है सनस्क्रीन लोशन बना है ऐसी ब्रांड के द्वारा बना है जिनकी स्पेशलिटी है, जिनकी डेडिकेशन है वाली सनस्क्रीन में। तो गाइज उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। जितनी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स वगैरह जो भी होगी सब आपको मिल जाएंगी, इसकी परचेज लिंक भी मैं आपको मिल जाएगी, जैसे सारी साइट्स पे अवेलेबल है उनकी लिंक मैं डाल दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं।
तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकॉन जो होता है उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूला करिए, जिससे आप सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी आपके पास पहुंचती रहेगी, सबसे पहले पहुंचेगी। तो ऐसी वीडियोस को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, 10,000 सब्सक्राइबर मेरे जल्दी जल्दी से पूरे कराइए, क्योंकि आपका प्यार आपका सपोर्ट ही 10,000 सब्सक्राइबर जो है न्यू ईयर में मेरे पूरे कराएगा। और 10,000 सब्सक्राइबर्स पे मैं ऑर्गेनाइज करूंगी एक बहुत ही अच्छा सा गिव अवे जो आप लोगों को मिलेगा एक सरप्राइज गिफ्ट। तो उसे पाने के लिए 10,000 सब्सक्राइबर्स से पहले जल्दी जल्दी से पूरे कराइए। तो गाइस मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ अपने स्किन का ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए एडवांस में। तो गाइस मिलते हैं न्यू ईयर में नई वीडियोज़ के साथ, नए जो है ट्रिक्स और टिप्स के साथ, नए रिव्यूज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बी स्मार्ट, स्टे सेफ एंड लव यू ऑल।